बादल देखे, बादल तो हैं, बारिश का कोई आसार लगता तो नहीं। असल में छत्ता है काफ़ी खौफनाक सी जगह पे, उसको उतारने के लिए सीढ़ी रिक्वायर्ड है। तो और ये देखें हाइट कितनी है वहाँ से, और अब ये यहाँ से उतारना है तो थोड़ा डेंजरस है क्योंकि सामने कोई सपोर्ट नहीं है। बस अभी सीढ़ी है, अगर अरेंज हो जाती सीढ़ी कहीं गई भी है तो फिर वो आके इसको जो है उतारेंगे। तो भाई मैं सुबह यहाँ पे सफाई कर रही थी, इनको खाना वाना दिया है सबको, और उसके बाद मेरी नज़र जिस चीज़ पे पड़ी वो ये है। ये देखें, ये देखें कितना बड़ा शहर की मक्खी होगा। छत्ता मेरी लाइट पे बना हुआ है, इसीलिए इतनी हनी बीज जो है वो मेरे पास आ रही है। ये देखें, ये मेरी टेरेस की लाइट है, और ये टेरेस है, और ये इतना बड़ा ही हनी बीज का छत्ता बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से। आज घर पे ही हूँ मैं, क्योंकि सुबह ही सुबह मैंने ये छत्ता देख लिया। वैसे भी आज जाना मेरा कोई इतना ज़रूरी नहीं था, तो मैंने कहा आज जो है मैं रिलैक्स ही करूँ, और काफ़ी काम है क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। और मैंने कुछ ब्लैंकेट्स तो दे दिए थे ड्राई क्लीनर को, बाकी के मुझे आज देने हैं। और वॉशरूम का जो सिंक है वो चोक हो गया है, तो मैं नीचे जा रही हूँ रिसेप्शन पे, ताकि ये है कि किसी प्लम्बर को वो भेजें ताकि जो है मेरे वॉशरूम के जो सिंक है ना वो ब्लॉक हुए हैं। तो हम जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वही डील करता है सारी चीज़ें, और वो उनके पास से ही जैसे हाउसकीपिंग होती है कोई ना कोई मौजूद होता है तो वो आ जाता है। बाहर से किसी को आप नहीं बुला सकते, वो अलाउ नहीं है। तो कंप्लेन मैंने करा दी है, और आज जुबैदा भी नहीं आई है, उसका कुछ मसला है बेचारी का, तो उस वजह से वो नहीं आ सकी, और अज़रा के भी हाथ में चोट लगी हुई है। तो बाहर का व्यू चेक करें कितनी धूप है। तो बस अब मैं जा रही हूँ घर, मुझे भी काफ़ी काम करने हैं आज। मुझे थोड़े से जो कबर्ड है उसको ऑर्गेनाइज वगैरह करना है, और साथ साथ आप लोगों के साथ भी कनेक्टेड रहेंगे। आज मैं एक तो व्लॉग सुबह देख रही थी ब्रेकफास्ट पे, तो वही बच्चों के हवाले से बातें चल रही थी। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चे सबके सांझे होते हैं, ठीक है? तो यहाँ सारी मोस्टली माएँ ही हैं, तो सबके अपने बच्चे हैं, तो जैसे आप अपने बच्चे को समझते हैं ना, वैसे दूसरों के भी बच्चों को समझें और डिबेट करें, और आके जेन्युइन चीज़ों पर आप बात करें, डिस्कशन करें। लेकिन ये वाले काम जो है ना वो कमज़ोर लोग करते हैं, जो दूसरों के बच्चों को या उनकी ऐसी चीज़ों को जिससे उनको ट्रिगर हो, उन चीज़ों को ढूंढकर और उसके ऊपर उनको ट्रोल करना, ये जो है बहुत बुजदिल लोगों की निशानी है। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट येलो दुपट्टा है, जो 6-7 साल पुराना है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और जब मैं आवामी हालत में होती हूँ तो, और मुझे कोई काम पड़ता है तो मुझे इस तरह पर जाना पड़ता है। तो यहाँ अहमद अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज कर रहा है, और आज जैसे कि बताया है आपको कि आज सारे कपड़े वगैरह सॉर्ट आउट होंगे, बच्चों के जो सर्दियों के हैं वो सामने आ जाएंगे और गर्मियों के पीछे चले जाएंगे। तो ये चीज़ें, एक तो इसके इतने टॉयज़ हैं, मैंने कहा इनको स्टोर रूम में रखे, लेकिन ये बाजी नहीं आता है। तुम यार अहमद इतनी जगह ही ले रहे हैं, इनको अपने पास कॉर्नर पर रखो, तुम यू खेलते तो हो नहीं अब इनसे। मेरे पास ना एक स्टोर में कोई 3 बैग्स हैं जिसके अंदर इसकी गाड़ियां हैं, जो इसने मोस्टली जो है टॉयज़ आर अस दुबई से लिए हैं, और हैमली से भी लिए हैं इसने, बहुत गाड़ियां ली हैं इसने, बहुत ख़र्चा कराया है, मोस्ट एक्सपेंसिव बच्चा ही अपना। तो जैन के पैर में चुभ गया है वॉच का बैंड बहुत बुरे तरीके से, और ये कपड़े देखें सारे निकले हुए हैं, क्योंकि अब सर्दियों के सारे कपड़े अहमद अपने रख रहा है और गर्मियों के निकाल रहा है। तो ये वाला बैंड जो है जैन के पैर में चुभ गया स्टील का ना, और बेचारा उसको बड़ी तकलीफ हुई। जैन भी अपने कपड़े सारे तय कर रहा है, इसको भी निकालने हैं, कपड़े साफ करें, और बस यही चल रहा है इस वक्त। मैं ये शाम के 6:30 बज रहे हैं, और अब मैं खाना खा रही हूँ, साथ है खिचड़ी और आलू गोभी, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। आज बहुत काम करने थे, अभी कुछ निपटाए हैं, कुछ और निपटाने हैं,
तो बस जितना ही व्लॉग मैं बना सकी आज तो मैं आपसे शेयर कर लूँगी, क्योंकि मुझे बेइंतहा काम करने। और अनाया जा रही है कहाँ? पीटू। कहाँ जा रही है अनाया? पीटू जा रही है। अनाया जा रही है वेजिटेबल्स और फ्रूट लेने। और मैं बस फोन भी रखा हुआ है, तो फिर से मैं मोबाइल देखूंगी। ठीक है, ओके ओके, सही है। अच्छा, अच्छी सब्जी और फ्रूट लाना। मुझे पकड़ नहीं जाया, मैं बस सोची जेब में वैसे भी। ठीक है, ओके। हे गाइस, हाउ आर यू? सो फिलहाल हम जा रहे हैं पीटू सेहर के साथ, और हमें कुछ चावल लेना, कुछ वेजिटेबल्स लेनी है और कुछ और चावल लेना है। तो अनाया तुम क्या लोगी? हम आपको मिलते हैं वहाँ पे जाके थोड़ी देर में। फिलहाल हम पीटू आ चुके हैं और सामने है पीटू की मस्जिद जहाँ हम हमेशा आते हैं। अनाया, फिलहाल हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है? तुम्हारे पास लिस्ट है? आगे चलते हैं हम। चलो, क्या तुम्हारे पास लिस्ट है कोई? अच्छा, ठीक है, हम जा रहे हैं और हम थोड़ा सा सामान लेंगे और आपको दिखाएंगे अभी। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बादलों से घिरा हुआ है। और फिलहाल ये रही अनाया, और थोड़ी देर बाद हम जाएंगे क्योंकि जेब को कुछ काम था, इसलिए हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। गाइस, फिलहाल अनाया अभी तक वेट कर रही है, जेब नहीं आया। यार, जेब अनाया बहुत लेट कर देता है ना? पीछे तो देखो आ रहे हैं। कौन? देखो मैं। किसने उल्लू बनाया भाई तुमको? तुम्हें टॉयज चाहिए? वो घर पे क्या रखा है? ये बैग में क्या है? अच्छा ठीक है, हम दिला देंगे, पर तुम्हें पहले हमारे साथ सामान लेना पड़ेगा, प्लीज। अच्छा अच्छा, प्रिंसेस बात मानती है ना अनाया? मैं वापस घर चली जाऊंगी। फिर अपनी शक्ल देखो यार तुम। अनाया रुको, मैं क्या चाहिए इतने सारे सामान में से तुम्हें? मेरे लिए छोटे वो मटेरियल चाहिए। छोटे ठीक है, उधर चलते हैं, वहाँ होगा। आप ये सारी चीजें यहाँ देखो अनाया, उधर चलो, वहाँ जलीज पड़ी है ना। एक आइसक्रीम कोन जो तुम मांग रही थी, ये वाली ले रही है? ये वाली ठीक है, ये अच्छी है, पर मुझे नहीं चाहिए। मैं थोड़ी देर में देखता हूँ कि मुझे क्या लेना, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चॉइसेस हैं। ओ भाई, तुमने दो क्यों लिए? दो क्यों नहीं, तुम कुछ और भी ले लो ना, मतलब चेक कर रही हूं। नहीं, तुम ले लो, पर मैं बोल रहा कुछ और भी ले लो, सेम चीज नहीं लो ना। ठीक है, तुम ले लो। तुम्हें आइसक्रीम चाहिए क्या? अरे वाह यार, तुम्हें मिल गई, आ रही नहीं थी बहुत दिनों से स्टॉक में, इसलिए अनाया को आज मिल गए तो एक गोलू खुश हो गया भाई। तुम्हें आइसक्रीम खानी है? ठीक है, हम आइसक्रीम भी ले लेते, तो मुझे कुछ ना कुछ तो लेना ही है। ये तो पिघल गया है, ये अच्छी है, और मुझे एक ये भी चाहिए, दिस इज नाइस। तो अनाया और सामान लेने आई है ना, पूरा स्टोर ले लो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। स्टोर ले लेंगे तो सब कुछ होगा हमारे पास। क्या बोल रहे? कैडबरी की नहीं आई है तो चॉकलेट दिखाओ। कैडबरी फ्लैट, वाह, मैं ले रहा हूँ ये। मैंने रेड पांडा ऐसी शक्ल हो गई तुम्हारी, वो खुद ले लेगी। छोड़ दो छोड़ दो, कोई बात नहीं, खुद ले लेगी। अरे मुंह दो, कौन सी लेनी है? ले लेते हैं कैंडी। शक्ल दिखाओ अपनी, मासूम से बच्चे के पीछे है परछाई। फिलहाल अनाया बाहर आ गई और ये अपनी पिंक आइसक्रीम खा रही, क्योंकि अनाया का फेवरेट कलर पिंक है। और मैंने अपनी भी आइसक्रीम ले ली, पर मैंने खोली नहीं, क्योंकि अनाया को खोल के देनी थी। अनाया अब घर जाएंगे, अपने सब कुछ ले लिया, मम्मा ने जो बोला था सब कुछ ले लिया। और अनाया को गिफ्ट भी मिला है, पता है आज? मैं नहीं चाहिए। क्यों? तो गाइस, अनाया ने थोड़ी बहुत आइसक्रीम खा ली और फिलहाल हम जा रहे हैं
पीटू के पार्क पर हम इतनी कुछ खास ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ अंधेरा होता है और इतनी कुछ खास लाइट नहीं होती, और आईफोन के लाइट से मतलब इतना कुछ खास काम नहीं हो सकता हमारा, इसलिए ज़्यादातर ब्लॉग आपको हमारा घर पे ही दिखेगा, है ना नाया? हाँ। यार तुम्हारा बैग बहुत प्यारा है यार, येलो कलर है, बहुत अच्छा लगता है तुम पे। फिलहाल अनाया रुकी मस्जिद के सामने, और फिलहाल हम थोड़ी देर में जा रहे हैं पीटू के पार्क, क्योंकि अनाया को जाना है और उसके बाद हम जाएंगे घर, ठीक है अनाया? गाइस फिलहाल हम यहाँ आ गए, बस थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा दिखेगा क्योंकि रात हो रही है, सो आराम से अनाया गिरना मत। आराम से मुड़ो, आइसक्रीम ना खा लो पहले, ठीक है? मैं जल्दी से भाग के दे रहा था। आ वन टू थ्री पीकाबू। तो ना यहाँ घूम ही रही है, तो हमें स्विंग दिख गया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जा रहे हैं। ना ये वाले पे बैठ जाओ, ये वाला टेढ़ा नहीं है, यहाँ बैठ जाओ, बैठो आओ आओ। खा ली ये तुमने? ठीक है। तो गाइस फिलहाल नया स्विंग झूलने की कोशिश कर रही है, और उसको आता भी बहुत अच्छा, पर बैग पहना हुआ है ना तो उतारेगी, इसलिए फिर वो कर पाएगी स्विंग। तो फिलहाल नया झूल रही है क्योंकि मैंने उसका बैग पकड़ लिया, उसको बहुत अच्छा आता है। और फिलहाल एक बैग न्यूज़ हुई, हमारे पास एक बच्चा आया थोड़ी देर पहले, मैं यहीं खड़ा हुआ था, तो अनाया पता है वो हमसे क्या बोलता है? वो पूछ रहा था घर का नंबर, वो बोल रहा था कि उसका जो दोस्त है ना वो नया शिफ्ट हुआ है बहरिया में, इसलिए वो ना अपने घर का नंबर ही भूल गया यार, सो सैड ना, है ना? यार तुम तो छोटी सी हो अभी भी, ए भाग गई, गोलू हो यार तुम सच में। तो गाइस अनाया अभी तक यही झूल रही है क्योंकि उसको पसंद है, और हम बहुत कम आते हैं वाले पार्क में, वरना हम 19 वाले पार्क में जाते हैं ज़्यादातर। तो फिलहाल हम थोड़ी देर में जाएंगे क्योंकि अनाया थक जाए ना थोड़ी देर में, फिर ये घर जाके सो जाती है जल्दी। तो गाइस फिलहाल ये बच्चा मेहनत कर रहा है ऊपर आने की, और ये बच्चा आ रहा है, आ रहा है, आ गया, ऑलमोस्ट आ गया है बच्चा छोटा सा। और ये बच्चा नहीं पहुंचा, क्या हुआ भाई बच्चे तुमको? पकड़ा ऊपर आओ, ऊपर आओ, ओ गिर गई, दोबारा साथ ऊपर आओ, आ रहा आ रहा आ रहा, आ गया आ गया आ गया, आने वाला है बस एक दो दिन, आ गया। तो गाइस फिर से ये बच्चा मेहनत कर रहा है ऊपर आने की, और ये बच्चा फिर से पहुंच गया, छोटा सा बच्चा, हाथ भर आ गया, बस थक गई, ठीक है फिर से नीचे जा रही हो, ठीक है जाओ। तो मैं ब्लॉग, हाँ मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तुम्हारा, भाई यूट्यूबर बच्चा ही पूरा दिन शॉर्ट्स देखती रहती है। तो फिलहाल मैं सौदा उठा रहा हूँ, और जेब भी उठाएगा क्योंकि गाड़ी आ गई, और अनाया का बैग भी यहीं पर है। तो ये फिर से स्लाइड पर पहुँच गई, चलो नीचे आओ, अब हमें जाना है अनाया घर, अब गाड़ी आ गई, जल्दी करो, बस वन स्लाइड हो, एक और स्लाइड करो फिर चलो आओ, आओ ना, क्या वो फंस गई? ये क्या हुआ भाई तुमको? हैं ये कैसी जबान यूज कर रही हो? ये क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है? सदमा पड़ा है आपको भाई बच्चे, छोटा सा बच्चा गुदगुदी कर रहा है। तो फिलहाल गाइस अनाया ने बैग पहन लिया, और हम घर जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी आ गई है। तो फिलहाल गाइस अनाया गाड़ी में बैठ गई, और उसको पसीना आ गया, और फिर से बैग उतार दिया इस बच्चे ने, ये लो पकड़ो अपना बैग पकड़ो, थोड़ा पीछे होके बैठो, मुझे भी बैठना है पीछे हो थोड़ा। तो ये बच्चा छुपके छुपके गेम खेल रहा है फिलहाल, यहाँ कौन सा गेम है ये बताओ ना? बिल्ली वाला गेम। क्या बिल्ली वाला? तो तुम क्या हो भाई? बिल्ली। तुम बिल्ली से कम हो? हाँ। आओ बाहर आओ आराम से, आ जाओ
आराम से चलो। भागते भागते घर जा रही है। ओ भाई तुमको क्या हो गया, इतना क्यों भाग रहे हो? अभी देखना कौन आएगा। 1 2 3 कोई नहीं आया। ठीक है अंदर जाके देखते हैं। मम्मा हम घर आ गए। यो हाय। वो खिला रहे खेला है, किस तरह से खिला रही है उसको, देखो कैसे खड़े होकर खा रहे हैं। साथ में ना रील भी देख रही है। पानी भी हल्का आ रहा है, कभी आता है पानी कभी आता है नहीं, लेकिन आ रहा है सबसे बड़ी बात। प्रसाद गोश्त बन रहा है, टमाटर है, मैं फ्राई कर रही हूँ, इसमें मैंने चिकन जो है वो ऑलरेडी रखी हुई मसाला लगा कर जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो चिकन मैंने यहाँ ये रखी हुई है योगर्ट के अंदर, लहसुन अदरक और अचार गोश्त मसाला, तो ये ऑलमोस्ट तैयार है। और साथ मैंने हरी मिर्चें भी काट के रखी हैं फ्राई करने के लिए। ये हरी मिर्चें बस अब फ्राई करूँगी, इस पर लेमन डलेगा और ये लास्ट में ऐड होंगी इसके अंदर। चिकन का अचार गोश्त यहाँ रेडी हो गया है, बस अब मैं इसको निकालने जा रही हूँ। क्या कर रही हो? क्या कर ली मेरा बच्चा? शावर ले लिया? मेरी बेटी ने शावर भी ले लिया, खाना भी खा लिया, बनाया, सोने जा रही है। मैं खाना खाने जा रही हूँ। अच्छा गुड नाइट करो। गुड नाइट। गुड नाइट करो यूट्यूब फैमिली को सही से। चलो गुड नाइट। तो फाइनली यहाँ पे खाना बन चुका है, मम्मा अपने काम में लगी हुई है एज यूजुअल। तो अचार गोश्त है और ये दोपहर का खाना है जो मम्मा ने बनाया है, और साथ में ये रोटी भी खा सकते। बस जी मैं काम से अभी तक फ्री नहीं हुई हूँ और रात के कोई 10:45 बज रहे हैं। अभी जस्ट मैंने कपड़े वॉश किए हैं एंड खाना रेडी कर दिया है। तो बस ये है कि अनायक को अभी खाना खिलाया है, उसको शावर देना है, तो वो लेट जाएगी और उसके बाद इनको खाना बच्चों को जो है ऑफकोर्स सर्व भी करना है, उसके बाद फिर किचन को भी क्लीन करना होता है और बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। ये देखें बालों का हाल, मतलब मैंने जितनी दफ़ा भी आज 2-3 दफ़ा शावर लिया है तो मैंने उसके बाद जो है अपने बाल इसी तरह फोल्ड करके रखे हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला कि बाल को ब्रश भी कर लूँ या कॉम करूँ, क्योंकि आपको आप शावर के बगैर खाना भी नहीं खा सकते और किचन में भी काम नहीं कर सकते ना। तो ये होता है कि जब क्लीनिंग से फ्री होती हूँ तो शावर लेती हूँ, जब किचन का काम कर लेती हूँ तो शावर लेती हूँ। तो आज क्योंकि कपड़े वगैरह भी वॉश करने थे, आज जो है ज़ुबैदा नहीं आई है और आई डाउटफुल कि वो कल भी आए। तो बस जो है बहुत बिजी चल रहा है आजकल सब कुछ, और मुझे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं, लेकिन आई एम सॉरी मैं रिप्लाई बहुत टाइम बात करती हूँ। उसके पीछे कोई एरोगेंस नहीं होती, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि मेरे पास वक्त नहीं होता है। और जब मैं अपने पास अपने कमेंट सेक्शन में जाती हूँ यहाँ अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर, तो मैं सबको ही कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई कर दूँ, लेकिन समटाइम्स तो आप यकीन करें मुझे सिर्फ व्हाट्सएप में उस वक्त यूज़ कर रही होती हूँ जब मुझे कोई इंटरनेशनल कॉल करनी होती है या हस्बैंड से बात करनी होती है, अदरवाइज़ मैं मैसेजेस भी चेक नहीं कर पा रही होती हूँ व्हाट्सएप पे, इतना भी टाइम नहीं होता। वो तो शुक्र करें कि मैं यूट्यूब पे आकर, मुझे थोड़ा सा ये है कि मैं जल्दी रिस्पॉन्ड कर देती हूँ, वरना मुझे फेसबुक के ऊपर या सम टाइम मैसेंजर पे भी मैसेजेस आए गए। 2-2 साल बाद जो है मैंने मैसेजेस चेक किए हैं, और या 2 साल बाद मुझे डिलीवर हुए हैं या 2 साल बाद मेरी नज़र के सामने से गुजरे हैं, तो मैंने 2 साल बाद रिप्लाई किया है। तो लोगों ने ये कहा है कि बड़ी जल्दी रिप्लाई कर दिया। ईमेल्स पे यस मैं बहुत एक्टिव हूँ, ईमेल जो है मेरा वो मेरा व्हाट्सएप से ज़्यादा एक्टिव है, तो उसके ऊपर ये वाला मसला नहीं है क्योंकि उसके ऊपर सारा काम से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं। अच्छा जी आज जैसे कि हर तरफ एक ही बात चल रही है बच्चों के हवाले से, तो मैं तो आप लोगों से कब से कहती हूँ कि देखें अपनी लड़ाइयों में मासूम बच्चों को इन्वॉल्व ना करें,
ये फूल जैसे बच्चे होते हैं, आप लोगों के गलत अल्फाज जो होते हैं वो भी एक गलत वाइब्रेशन इन बच्चों को देते हैं। लेकिन बच्चे किसी के भी हों, किसी का कोई राइट नहीं बनता कि किसी के बच्चों के ऊपर कोई बात करे, ठीक है। तो बस इंसानियत इसी चीज़ के अंदर है कि आप अपनी फाइट खुद लड़ें, ना कि आप जो है दूसरों के मासूम बच्चों को बीच में लेकर आएँ। ये तो बुजदिल करते हैं ऐसी चीज़ें। आज जो है शबनम का भी चैनल जो है वो डीमोनेटाइज हो गया है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की जा रही है, और किसी भी छोटे चैनल को उड़ाने के लिए आपको 20 से 25 हज़ार रुपये लगाने पड़ते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाके जो है उसके अंदर उसका जो चैनल होता है उसके ऊपर एक ट्रैफिक वो जिस तरह भेजते हैं उससे एक डाउट क्रिएट होता है और आपको चैनल जो है डीमोनेटाइज हो जाता है। क्योंकि शबनम के पास ना कोई ऐसा रीज़न नहीं है शबनम के चैनल को डिमोनेटाइज करने का, क्योंकि उनके पास तो लाइक कोई म्यूज़िक या कोई कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक हो तो वो अलग चीज़ है। हाँ यस, उनकी लाइव्स हैं। अब टॉपिक तो सबके लिए मैं यही कहूँगी कि टॉपिक ऐसे रखें जिससे कोई हार्म ना हो और किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे उस डिबेट से। तो किसी का चैनल डिमोनेटाइज करके जो है आप जंग नहीं जीत सकते, आपको जंग डिबेट के साथ ही जीतनी पड़ेगी, ठीक है। और हर इंसान जो है जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, जब उसके बच्चों की बात आती है तो वो फिर जो है सामने आता है और आके उस चीज़ के ऊपर आर्गुमेंट करता है। ये एक नेचुरल सी हर इंसान की नेचर है कि अगर किसी के भी बच्चों के ऊपर बात आए और उसके बच्चों को कुछ कहा जाए तो हर बंदा आके उस चीज़ के ऊपर फाइट करता है, और ये दिस इज़ वेरी नेचुरल ना। लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को भी अपनी कंट्रोवर्सीज़ के लिए यूज़ करते हैं, और वो अपने बच्चों के लिए भी स्टैंड नहीं लेते और अपने बच्चों के लिए भी जो है आके किसी से कुछ नहीं कहते। कोई भी उनकी फैमिली की उनके बच्चों की पिक्चर्स यूज़ कर सकता है अपने थंबनेल्स पे। बहुत सारे मैंने पंजाब के लोगों के थंबनेल्स के ऊपर भी बच्चियों की तस्वीरें देखी हैं। तो किसी को भी इस तरह का राइट नहीं है, क्योंकि अगर कोई सेलिब्रिटी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी फैमिली पिक्चर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, उस तरीक़ेकार के साथ रहते हुए लोगों को काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग असल में जो है दूसरे तरीके भी ढूंढ लेते हैं अपनी खुन्नस निकालने के लिए और दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो जो लोग अपने बच्चों के लिए स्टैंड नहीं लेते, जो अपने बच्चों के साथ फेयर नहीं है, जो अपने बच्चों के लिए जो है खड़े नहीं होते उनके राइट के लिए, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनीवे, खैर चलिए जी, बहुत टाइम लिया आप लोगों का और बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करके, और बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ, लेकिन आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स सुन के बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।